दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। आपने इस गाने को तो जरूर सुना होगा। ये गाना फिल्म तीसरी कसम का है, फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चित कहानी मारे गए गुलफाम पर 1966 में ये फिल्म बनी। इस फिल्म को तीसरी कसम नाम दिया गया। मारे गए गुलफाम मानवीय संवेदना और प्यार की कहानी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका निभाई। नायक हीरा मन और नायिका हीरा बाई पर आधारित इस प्रेम कथा ने दर्शकों के बीच प्रेम का अद्भुत रूप कायम किया। फिल्म तीसरी कसम सिनेमा जगत में मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन इस फिल्म की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये फिल्म बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी है। इस फिल्म की शूटिंग प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के गांव और राही में हुई थी। ये गांव अररिया जिले में है। रेणु के बड़े बेटे पदम पराग राय वेणु उस पल को याद कर रोमांचित हो उठते हैं। वेणु बताते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से याद है कि फिल्म तीसरी कसम की कास्टिंग की शूटिंग मेरे आंगन में हुई थी। माँ आंगन में इधर उधर घूम रही थी, दादी आंगन बुहार रही थी, वो खुद भी बैलगाड़ी में बैठकर घूमे थे। फिल्म में गांव के कई गाड़ीवानों ने बैलगाड़ियों से रेस में भाग लिया था। तीसरी कसम का कनेक्शन पूर्णिया के गुलाब बाग और गढ़बनैली रेलवे स्टेशन से भी है। तीसरी कसम के सेट पर 3 दिन में फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा कि वो मुंबई के कमाल स्टूडियो को देखकर दंग रह गए थे। जब वो फिल्म तीसरी कसम की शूटिंग देखने मुंबई गए तो हूबहू गुलाब बाग मेले का दी ग्रेट भारत नौटंकी कंपनी वैसा ही गांव और गांव का माहौल जिसे देखकर उन्हें आनंद आ गया था। रेणु जी के बेटे वेणु कहते हैं कि उनके पिता के साथ बासु भट्टाचार्य गुलाब बाग मेले में घूमने गए थे। गुलाब बाग मेले की नौटंकी देखकर उसकी स्टील फोटोग्राफी करवाई गई। जब बाबूजी फिल्म तीसरी कसम की इंडोर शूटिंग देखने मुंबई पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा कि वो पूर्णिया और अररिया में ही हैं। वैसे ही मिट्टी की सड़क और बाजार मानो अपने गांव में हैं और अपनों के बीच हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। चिट्ठियां हो तो हर कोई बांटे, भाग ना बांटे कोई। इस फिल्म के गाने आज के युवाओं के जुबां पर अनायास ही आ जाते हैं। इस कहानी में सिर्फ एक गाड़ीवान का नाचने वाली से प्रेम ही नहीं, एक भोले मन का दुनियादारी से सामना भी है। तीसरी कसम का निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया। म्यूजिक डायरेक्टर थे गीतकार शैलेंद्र और शंकर जयकिशन। ये फिल्म राज कपूर, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन की दोस्ती की एक मिसाल भी है। तीसरी कसम ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। बिहार की ऐसी कई जगह हैं जैसे फिल्म जगत ने न सिर्फ लिया है बल्कि वहां के खान पान रीति रिवाजों को भी फिल्मों में दिखाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।